बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, फंगी एंड वायरसेस, इनके जो स्ट्रक्चर्स हैं, स्ट्रक्चर वाइज हम इसको एक बार डायग्राम से देख लेते हैं और समझ लेते हैं। यस स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल वी लुक एट फंगी। दीज आर माइक्रो ऑर्गेनिज्म, टाइप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ओके, फंगी आपको एग्जाम्पल से बताया था, पेनिसिलिन एंड ब्रेड बॉर्न। तो यहाँ पे सबसे इजी और जो जमीन हमें देखने के लिए मिल जाता है, ब्रेड बॉर्न के बारे में पढ़ते हैं। इसका नाम ब्रेड बॉर्न है क्योंकि चपाते के ऊपर आपने देखा होगा फफूंदी लग जाती है। ठीक है, ये जो फंगस है ये आपको ह्यूमिड एंड वार्म, कैसी क्लाइमेट में मिलता है, कैसी जगह में मिलता है आपको, ह्यूमिड एंड वार्म, जहाँ पे थोड़ी नमी हो, टेम्परेचर ज्यादा हो। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ समझ रहे हैं। ये जो नीचे आप जो देख रहे हैं रूट टाइप, इसको हम हाइफी कहते हैं स्टूडेंट्स। क्या कहते हैं? हाइफी। क्या कहते हैं? हाइफी और हाइफी, PHAE, हाइफी कहते हैं स्टूडेंट्स। और ये जो है ये इसको कहते हैं पॉर्स। क्या कहते हैं? पॉर्स। ये जो है पॉर्स होते हैं, इनके अंदर बहुत छोटे 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 आपको ग्रेन टाइप में मिल रहे हैं। और जब ये बाद में जब राइपन होने के बाद जब फट जाता है, तो फटने के बाद इसमें से ये जो स्पॉट्स है, ठीक है, स्पॉट्स, सॉरी स्पॉट्स होते हैं स्टूडेंट्स। तो ये स्पॉट्स हमारे सारे जो एनवायरमेंट है उसमें फैल जाते हैं, और जब इनको सफिशियंट एंड प्रॉपर जब इनको वार्म्थ एंड ह्यूमिड जो मिलता है, तो ये वहां पर अपना जो ग्रोथ करना स्टार्ट कर देते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं एक बार बैक्टीरिया। तो बैक्टीरिया आपको बताया था रॉड शेप होते हैं, स्फेरिकल होते हैं, रॉड शेप वाला नहीं दे रखा है। रॉड में कुछ नहीं होता, केवल यूं एक रॉड जैसे छड़ होती है वैसे होते हैं। तो रॉड शेप, स्फेरिकल एंड स्पाइरल, ये होते हैं आपके बैक्टीरिया। ओके, ये सिंगल सेल होते हैं स्टूडेंट्स, और ये टफेस्ट ऑर्गेनिज्म माने जाते हैं। ये आपको हर प्रकार के क्लाइमेट में मिल जाएंगे, चाहे वोल्केनिक इरप्शन हो, चाहे डेजर्ट हो, हर जगह आपको मिल जाएंगे। ठीक है, बेनिफिशियल भी होते हैं, कई बार ये हार्मफुल भी होते हैं। ओके स्टूडेंट्स, नाउ वी कम ऑन प्रोटोजोआ। आपको बता दें प्रोटोजोआ यूनिसेल्युलर भी हो सकते हैं, मल्टी सेल्युलर भी हो सकते हैं, लेकिन ज्यादातर ये एक्वाटिक होते हैं। ज्यादातर ये आपको क्लाइमेट मिल जाएंगे, आपको पानी में मिलते हैं स्टूडेंट्स। तो पैरामीशियम और अमीबा का एग्जाम्पल है। तो अमीबा को देख लेते एक बार, सिंगल दोनों जैसे ही दोनों मुद्दे रखे, दोनों यूनिसेल्युलर स्टूडेंट्स। तो अमीबा ये फूड रेगुलर होती है, ठीक है, फूड रेगुलर है, और इसके जो आप देख रहे हैं स्ट्रक्चर्स ये है, इनको हम सूडोपोडिया कहते हैं स्टूडेंट्स। क्या कहते हैं? सूडोपोडिया, सूडो 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 सूडोपोडिया, ये जो है ये सूडोपोडिया होते हैं, इनको फाल्स स्लीप भी कहते हैं स्टूडेंट्स। होता क्या है, जब पानी में तैरता होता है तो इसके आसपास जब अगर फूड आ जाता है ना, तो फूड आने पर ये जो है फूड को अपने फाल्स स्लीप से, फाल्स स्लीप मतलब पैर होते हैं इसके, तो ये फूड को कैप्चर करने के लिए इस तरीके से, इस तरीके से फूड को कैप्चर करता है और अपनी बॉडी के अंदर ले लेता है। ठीक है, और जब उसको अच्छे से डाइजेस्ट हो जाता है वो सही तरीके से, तो बाद में कहीं से भी पूरी बॉडी इसकी कहीं से भी ब्रेक हो जाती है और वो पानी के अंदर रिलीज कर दिया जाता है एज ए वेस्ट बनते हैं। तो अमीबा और पैरामीशियम दोनों में एक ही प्रोसेस से यही प्रोसेस है। ओके स्टूडेंट, अब हम आते हैं एल्गा। एल्गा आपको बताया था क्लोरोफिल होता है, फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस इजीली में करता है और अपना भोजन स्वयं बनाता है। स्पाइन वगैरह के बारे में हम देख लेते हैं। स्पाइन वगैरह वही एल्गा है जो हम देखते हैं सामान्य जो जमीन जो पानी भरा रहता है पूरा, जो तालाब ग्रीन ग्रीन हो जाता है, वो एक्चुअली होता क्या है, स्पाइन वगैरह होता है। और फ्रेगमेंटेशन के द्वारा, फ्रेगमेंटेशन के द्वारा ये अपनी जो जनरेशन है उसको आगे बढ़ाता है। ठीक है, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन होता है। नेक्स्ट आते हैं वायरस। वायरस के बारे में आपको बताया था ये बॉर्डर लाइन होती है स्टूडेंट्स लिविंग एंड नॉन लिविंग की। जब तक ये किसी भी होस्ट बॉडी या किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी के बाहर होता है, तब तक ये नॉन लिविंग की तरह काम करता है। ठीक है, नॉन लिविंग की तरह काम क्यों करता है स्टूडेंट्स, क्योंकि इसकी अपने आपके कोई सेल नहीं होती, सेललेस होता है, और सेल वॉल होती नहीं, केवल प्रोटीन की इसके चारों ओर कोटिंग होती है स्टूडेंट्स। प्रोटीन की इसके चारों ओर कोटिंग होती है जिसको कैप्सूल कहते हैं स्टूडेंट्स। क्या कहते हैं? कैप्सूल। ओके, तो जैसे किसी भी होस्ट की बॉडी में एंटर करता है तो वहां पर ये मल्टीप्लिकेशन करना स्टार्ट कर देता है और धीरे धीरे पूरी बॉडी को घेर लेता है। तो इसका होस्ट कोई भी हो सकता है स्टूडेंट, ह्यूमन भी हो सकता है, कोई बैक्टीरिया भी हो सकता है, और कोई अदर ऑर्गेनिज्म भी हो सकता है।
ठीक है। और इसके अंदर जो इसका जो स्ट्रक्चर है उसमें आरएनए भी हो सकता है, डीएनए भी हो सकता है, दोनों से कोई भी। तो स्टूडेंट्स आपको बताया था कि फाइव काइंड्स होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के, इसमें बैक्टीरिया, फंगी, प्रोटोजोअन, वायरसेस एंड एल्गा। ओके स्टूडेंट्स, तो ये फाइव काइंड्स के आपको माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बताए थे, कैसे होते हैं, कहां पे रहते हैं और इनका जो क्या स्टाइल होता है, वो सारी चीजें मैंने आपको बताए थे। अब बात आती है जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारे लिए यूजफुल होते हैं, कुछ हमारे लिए हार्मफुल होते हैं। तो सबसे पहले एक बार हम देख लेते हैं हमारे जो डेली जो लाइफ है उसमें इनका क्या यूजेस है, वो देख लेते हैं। यूजफुलनेस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स किस तरीके से हमारे लिए यूजफुल होते हैं, तो कई तरीके से यूजफुल होते हैं। तो सबसे पहला जो पॉइंट है यहाँ पे मैंने लिखा है इन फूड एंड बेवरेज इंडस्ट्री। फूड तो फूड होता है, जितना खाने वाली चीजें फूड होती है, बेवरेज मतलब पेय पदार्थ जिन्हें हम पीते हैं, जिन्हें हम पीते हैं वो होते हैं बेवरेज, जैसे कि कॉफी है, टी है, वाइन है, बियर है, ये सारी चीजें बेवरेज में आ जाती है स्टूडेंट्स, ठीक है। तो इसके अंदर क्या यूज है, तो मैं आपको बता दूं, आपने सुना होगा कि दही जो होता है एक बैक्टीरिया के द्वारा बनाया जाता है, जैसे हम लैक्टोबैसिलस कहते हैं। ये जो बैक्टीरिया होता है क्या करता है, जब इसको दूध के अंदर डाला जाता है तो ये दूध को खट्टा कर देता है और इसकी जो संख्या होती है इसको मल्टीप्लाई करता रहता है, पूरे दूध को खट्टा कर देता है और उससे दही बन जाता है। तो ये है वो एक बैक्टीरिया, बैक्टीरियम होता है जिसका नाम होता है लैक्टोबैसिलस। अगर बात करें हम बेवरेज की, तो बेवरेज में क्या, बेवरेज में जो बियर है या वाइन है ये जो बनाई जाती है, ये ईस्ट नाम का एक फंगस होता है, उसके द्वारा फर्मेंटेशन की प्रोसेस के द्वारा बनाया जाता है। फर्मेंटेशन क्या होता है उसको मैं बता दूं एक बार, जो शुगर होता है उसका एल्कोहल में बदलने की जो प्रोसेस होती है, स्टूडेंट ध्यान दें, जो शुगर होती है उसका एल्कोहल में बदलने की जो प्रोसेस होती है उसको फर्मेंटेशन कहते हैं। तो ईस्ट की हेल्प से, ईस्ट एक फंगस होता है, उसकी हेल्प से जो है वाइन है, विनेगर आता है जिसको हम सिरका कहते हैं, अचार वगैरह में डालते हैं स्टूडेंट, एसिडिक एसिड होता है वो, CH3COOH फॉर्मूला होता है उसका, तो वो बनाया जाता है ईस्ट की सहायता से फर्मेंटेशन की प्रोसेस के द्वारा। इसके अलावा आपने केक खाया होगा स्टूडेंट्स, आपने इडली खाई होगी स्टूडेंट्स, आपने ढोकला खाया होगा, है ना। तो ये सारी की सारी चीजें ईस्ट की हेल्प से बनाई जाती है ब्रेड वगैरह। ओके स्टूडेंट्स, तो ये फूड एंड बेवरेज इंडस्ट्रीज में इसका इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट है इन मेकिंग मेडिसिन एंड वैक्सीन। तो मैं आपको बता दूं फंगस, जो फंगस है या जो बैक्टीरिया है, ध्यान देना, जो फंगस है या बैक्टीरिया है उनसे जो औषधियां, जो दवाइयां बनाई जाती है उसको हम वैक्सीन कहते हैं स्टूडेंट्स। क्या कहते हैं? वैक्सीन कहते हैं। क्या कहते हैं? वैक्सीन। तो आपको बता दें वो वैक्सीन जो होती है ये बॉडी के अंदर इंजेक्ट की जाती है और ये जो बीमारी है उसके अपोजिट एंटीबॉडीज बनाती है और हमारी बॉडी का प्रोटेक्शन करती है, एंटीबॉडीज बनाती है ताकि वो जो हानिकारक जो बीमारी फैलाने वाले जो भी अदर जो पैथोजेंस है उनको मार सके। तो इनसे जो बनने वाली जो दवाइयां हैं बैक्टीरिया से, फंगस से, उसको स्टूडेंट्स एंटीबायोटिक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? एंटीबायोटिक्स। तो मैं आपको बता दूं सबसे पहले अलेक्जेंडर फ्लेमिंग एक साइंटिस्ट हुए थे जिन्होंने सबसे पहले पेनिसिलिन नाम की एक वैक्सीन बनाई थी और ये जो वैक्सीन थी पेनिसिलिन, ध्यान देना, पेनिसिलिन नामक एक फंगस था, उससे इस पेनिसिलिन नामक वैक्सीन को बनाया था। फर्स्ट जो वैक्सीन इजाद की थी वो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये रहा आपका मेडिसिन का। तो इस तरीके से मेडिसिन फंगस और बैक्टीरिया के हेल्प से बनाई जाती है। इसके अलावा और भी कई सारे एंटीबायोटिक्स हैं, जैसे कि स्ट्रेप्टोमाइसिन है, टेरामाइसिन है, ये कई प्रकार की वैक्सीन मिल जाती है। इसके अलावा स्टूडेंट्स जो बैक्टीरिया है और जो ईस्ट वगैरह होते हैं उनकी सहायता से विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की टेबलेट्स भी तैयार की जाती है। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स में आती है आपकी विटामिन B1 है, B2 है, B4 है, B6 है, B7 है, B9 है, B12, ये सारा का जो कॉम्बिनेशन उसको हम विटामिन बी कॉम्प्लेक्स कहते हैं। तो इस प्रकार की मेडिसिन बनाई जाती है। इसके अलावा पोलियो है, ट्यूबरक्लोसिस, इसके लिए जो वैक्सीन इजाद की गई है वही फंगस और बैक्टीरिया से बनाई गई है। इंसुलिन नाम का एक हार्मोन होता है हमारे बॉडी के अंदर जो शुगर लेवल को कंट्रोल करता है, तो इंसुलिन नाम का जो हार्मोन है वो भी
अगर आप चाहें तो बैक्टीरिया से बना सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, ये मेडिसिनल यूज रहा बैक्टीरिया का, ठीक है। और इसके अलावा फिर जो यूजेस हैं, अगर हम एग्रीकल्चर की बात करें तो कृषि में भी बैक्टीरिया और फंगस का बहुत बड़ा योगदान है, बहुत बड़ा योगदान है। तो सेवन क्लास में अगर आपने पढ़ा हो एक चैप्टर है फर्स्ट बायो न्यूट्रिशन एंड प्लांट्स स्टूडेंट्स, तो उसमें हमने देखा था कि जो एक बैक्टीरिया होता है राइजोबियम लेग्यूमिनेशोरम, पूरा नाम होता है राइजोबियम लेग्यूमिनेशोरम, वो जो लेग्यूमिनस प्लांट्स होते हैं, जो दलहनी पौधे होते हैं, दाल वाले जो पौधे होते हैं, उनके नोड्यूल्स, उनकी जड़ों की जो नोड्यूल्स होती है उनके अंदर ये पाए जाते हैं। और ये एटमोस्फेयर की जो 78% जो फ्री जो नाइट्रोजन है उसको सिंपल कंपाउंड नाइट्रेट में कन्वर्ट कर देते हैं, जिसे आसानी से मिट्टी के अंदर रिप्लेनिश कर दिया जाता है, जिससे जो नाइट्रोजन की कमी है वो उसकी जो पूर्ति है वो पूरी हो जाती है मिट्टी के अंदर, और फर्टिलिटी जो कैपेसिटी है सोयल की वो भी बढ़ जाती है। ओके स्टूडेंट, इसके अलावा कई सारे ब्लू एल्गा हैं, ब्लू ग्रीन ग्रीनी हरी शैवाल है, वो भी इनके नोड्यूल्स में पाई जाती है और वो भी नाइट्रोजन को रिप्लेनिश करती है। नेक्स्ट जो पॉइंट है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहां पे यूज में आते हैं, क्लीनिंग द एनवायरमेंट। तो स्टूडेंट्स, कई प्रकार के जो फंगी हैं वो हमारे एनवायरमेंट को क्लीन करने में बहुत ज्यादा हेल्पफुल होते हैं। अब बताते हैं ये कैसे करते हैं, ये ऐसे करते हैं स्टूडेंट्स, जो वेस्ट मटेरियल है, वेस्ट मटेरियल जब डीके हो जाता है, सड़ जाता है, गल जाता है, तो उनको ब्रेक करने का, उनको तोड़ने का, उनको सिंपल कंपाउंड में तोड़ने का काम ये फंगस वगैरह ही करते हैं। और वापस से उनको जब ये पूरी तरीके से डिकम्पोज कर देते हैं, उसके बाद उससे जो भी न्यूट्रिएंट्स है वो सारे मिट्टी के अंदर मिल जाते हैं, और मिट्टी से दोबारा से जो प्लांट्स है उनको गेन कर लेते हैं, ऑब्टेन कर लेते हैं। इसके अलावा मैं आपको बता दूं, जो वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स हैं बड़े बड़े शहरों में होते हैं, जो भी सीवेज है, जो भी घरों से, मकानों से, इंडस्ट्री से जो भी सीवेज निकलता है, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट पे जाकर के अलग अलग टैंक बने हुए हैं, उनके अंदर आर्टिफिशियली तरीके से कई प्रकार के बैक्टीरिया प्रोड्यूस करवाए जाते हैं, ताकि वो उनको अच्छे से डिकम्पोज कर सके और उसका कंपोस्ट और मैन्योर बनाया जा सके। ये है क्लीनिंग ऑफ द एनवायरमेंट, इन द क्लीनिंग एनवायरमेंट में ये हेल्पफुल होते हैं। अब बात आती है हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म स्टूडेंट्स, तो कई सारे हमारे बेनिफिशियल भी यहाँ पर बताया मैंने किस प्रकार से यूजफुल है, लेकिन इसके अलावा सबसे हानिकारक भी होते हैं, कई प्रकार की बीमारियां हैं जो हो जाती है, जैसे अभी स्टूडेंट्स कोरोना चल रहा है, वायरस ही है, त्राई त्राई बच्चों ये पूरे वर्ल्ड में, वो भी क्या माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, लेकिन वो हमारे लिए हार्मफुल है। ऐसे ही एंथ्रेक्स नाम की एक बीमारी हो जाती है, एंथ्रेक्स जिसको हम खुरपका कहते हैं स्टूडेंट्स, पशुओं में हो जाती है, कई बार इंसानों में भी हो जाती है, बैक्टीरिया के द्वारा होती है, और ये ह्यूमन में और कैटल में, जिसको खुरपका कहते हैं स्टूडेंट्स, एंथ्रेक्स को क्या कहते हैं, खुरपका। कई बार बहुत ज्यादा ये अगर गंभीर हो जाए तो जान भी चली जाती है, तो बैक्टीरिया से होती है। रस्ट ऑफ वीट, आपने देखा होगा कई बार गेहूं की जो बाल है, गेहूं की जो बाली होती है उसमें काला काला सा आ जाता है, वो रस्ट होती है स्टूडेंट्स, क्या होती है रस्ट। और ये जो है एक वायरल डिजीज होती है, वायरस से फैलती है, और ये भिंडी की जो वेजिटेबल है, भिंडी जो वेजिटेबल है उसको भी अफेक्ट करती है, और इसका जो करियर होता है ये किसके द्वारा है, तो वायरस, लेकिन फैलता किसके द्वारा है, इंसेक्ट के द्वारा स्टूडेंट्स। नेक्स्ट बीमारी के बारे में पढ़ते हैं, मलेरिया बहुत होता था, बहुत होता था, लाखों जाने जाते थे, लेकिन वैक्सीन बन गई तब से अब इतना नहीं फैलता है, इलाज है इसका। तो मलेरिया जो बीमारी है ये प्रोटोजोआ से फैलती है स्टूडेंट, किससे फैलती है, प्रोटोजोआ, एक प्रोटोजोआ होता है जिसका नाम होता है प्लाज्मोडियम, क्या होता है, प्लाज्मोडियम वाइवैक्स, प्लाज्मोडियम वाइवैक्स, प्रोटोजोआ के बारे में बताया था मैंने कल वाले वीडियो में, आप देख सकते हैं, प्रोटोजोआ वो होता है सिंगल सेल्ड होते हैं, वाटर में रहते हैं, ठीक है। तो प्लाज्मोडियम वाइवैक्स के द्वारा ये मलेरिया फैलता है, इसका जो कैरियर होता है, इसका जो कैरियर होता है वो होती है फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो, मादा एनाफिलीज मच्छर होती है, उसके काटने से प्लाज्मोडियम जो ब्लड का जो फ्लो होता है, ब्लड का जो फ्लो होता है उसके अंदर डायरेक्ट ये प्लाज्मोडियम एंटर करता है,
मादा एनोफिलीज की वजह से और हमें क्या हो जाता है मलेरिया हो जाता है, तो प्रोटोजोआ की वजह से माइक्रोऑर्गेनिज्म। डेंगू है, डेंगू जो है ये डेंगू नाम का एक वायरस होता है, क्या होता है वायरस, उसकी वजह से फैलता है। और इसका जो कैरियर होता है वो फीमेल एडीज मस्कीटो होता है, इसका कौन था एनाफिलीज और इसका होता है एडीज, स्टूडेंट्स क्या होता है एडीज, एडीज फीमेल मस्कीटो, ये होता है। इसके काटने की वजह से डेंगू जो वायरस है एंटर करता है बॉडी के अंदर, डेंगू फीवर हो जाता है, बहुत ज्यादा गंभीर है ये। अगर लास्ट स्टेज अगर आ जाए तो इवन जो आंख है उसमें से ब्लड निकलने लगता है, उस कंडीशन में फिर पेशेंट नहीं बच सकता। दोनों में अंतर क्या है, ये प्लाज्मा, ये जो है एनाफिलीज मच्छर है ये गंदे पानी में मिल जाएगा, रात में काटता है, लेकिन ये जो एडीज है ये साफ पानी, कूलर वगैरह का पानी, मटके का पानी इसमें रहता है, दिन में काटने वाला मच्छर होता है, तो डेंगू फीवर है। स्टूडेंट दो प्रकार की बीमारी की अगर बात करें तो टू टाइप्स की बीमारी होती है, एक होती है कम्युनिकेबल डिजीज और एक होती है नॉन कम्युनिकेबल। तो मैं आपको बता दूं अभी जैसे कोरोना चल रहा है ये कम्युनिकेबल डिजीज है, एक दूसरे के संपर्क में आने पर जो बीमारियां फैलती हैं उसे कम्युनिकेबल डिजीजेस कहते हैं। कम्युनिकेबल डिजीज आर दो डिजीजेस व्हिच कैन बी स्प्रेड बाय डायरेक्ट कॉन्टैक्ट और फ्रॉम एन इन्फेक्टेड पर्सन टू अ हेल्दी पर्सन विद द हेल्प ऑफ एजेंट्स लाइक एयर, लाइक डायरेक्ट कॉन्टैक्ट, लाइक वाटर एटसेट्रा, ओके। और नॉन कम्युनिकेबल डिजीज होती है जो एक दूसरे से आपस में नहीं फैलते, जैसे सामान्य बुखार वगैरह हो तो वो ऐसे नहीं फैलता है, ठीक है स्टूडेंट्स। कैंसर है नॉन कम्युनिकेबल, तो कई सारी बीमारियां हैं जो नॉन कम्युनिकेबल है। तो नॉन कम्युनिकेबल दोनों डिजीज में आपको अंतर पता लगे, कम्युनिकेबल एंड नॉन कम्युनिकेबल। अब आता है प्रिवेंटिंग मेजर्स ऑफ कम्युनिकेबल डिजीजेस। नॉन कम्युनिकेबल है उसकी तो कोई दिक्कत ही नहीं है क्योंकि वो तो फैल ही नहीं रही है एक दूसरे से, लेकिन अगर बात हम करें कम्युनिकेबल डिजीजेस को रोकने की तो इसके लिए हम बहुत सारे काम कर सकते हैं। जैसे कि पहला है, अगर मान लो कोई किसी को कोई डिजीज हो गई है, बहुत अच्छा सा एग्जांपल अभी चल रहा है कोरोना के लिए हम, अगर कोई भी कोरोना से पीड़ित है तो सबसे पहले क्या करते हैं उसको आइसोलेट कर देते हैं, मास्क वगैरह हैंडकरचीफ मुंह से लगा लेते हैं, अगर मान लो हमें स्नीजिंग या कफिंग हो रही है तो ये सारे प्रिवेंटिव मेजर्स हैं। इसके अलावा हमें अपने आसपास का जो एनवायरनमेंट है, जो वातावरण है उसको साफ सुथरा रखना चाहिए, कभी भी अपने आसपास पानी को इकट्ठा ना होने दें ताकि उसमें मच्छर वगैरह पलें, तो ये रोकथाम हमें करनी चाहिए। इसके अलावा समय समय पर, आपने देखा होगा छोटे बच्चों का एक कार्ड बनता है जिसमें कई प्रकार की वैक्सीन लगती है, खसरा है, रोगेला है, तो ये वैक्सीनेशन हमें समय समय पर करवाते रहना चाहिए, ठीक है स्टूडेंट्स। ये सारे प्रिवेंटिव मेजर्स हैं कम्युनिकेबल डिजीज के, बाकी का हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, काफी बड़ा चैप्टर है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।